अंतरजनपदीय गिरोह के साथ सक्रिय 7 चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। विभिन्न जनपदों में घटित चोरी की घटनाओं का हुआ खुलासा। पुलिस अधीक्षक बस्ती हेमराज मीणा के आदेश के क्रम में जनपद बस्ती में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना अध्यक्ष दिनेश कुमार सरोज व स्वाट टीम प्रभारी राजकुमार पांडे के संयुक्त टीम द्वारा 7 अंतरजनपदीय सक्रिय नकबजन को गायघाट पौधशाला थाना क्षेत्र वाल्टरगंज से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों में पंकज हरिजन पुत्र साधु पिपरा, चंद्रपति शैलेश चौधरी पुत्र सदानंद चौधरी, दिलीप चौधरी पुत्र राम सुरेश चौधरी, रागेंद्र चौधरी पुत्र विजय नंदन चौधरी, रिंकू पुत्र गरीब दास, सौरभ पांडे पुत्र अशोक पांडे, राम अवतार मिश्रा पुत्र सोनी मिश्रा। इन अभियुक्तों के पास चोरी को अंजाम देने वाले उपकरणों के अवैध असलहा व चाकू बरामद किया गया। पूछताछ में सभी अभियुक्तों ने अपने द्वारा विभिन्न जनपदों में घटित चोरी की घटनाओं का खुलासा भी किया। इनके विरुद्ध पंजीकृत अपराध की जानकारी कराकर गए पंजीकरण व अन्य विधिक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। दिनांक 7 जुलाई 2020 की रात कस्बा बागनगर जनपद संत कबीर नगर में एक दुकान का ताला तोड़कर चोरी। दिनांक 28 मई 2020 की रात को चैनपुर थाना क्षेत्र पुरानी बस्ती के पास एक अदर ट्राली की चोरी। दिनांक 24 जून 2020 की रात पूर्वांचल ग्रामीण बैंक उसरा सहित जनपद संत कबीर नगर जैसी बड़ी चोरी का खुलासा किया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक ऋषिदेव प्रसाद, उप निरीक्षक रिजवान अली, महेंद्र यादव, मनोज राय, मनिंद्र प्रताप चंद्र, अभिषेक तिवारी, रमेश गुप्ता, रविशंकर शाह, स्वाट टीम बस्ती शामिल रहे। बस्ती से राजन कुमार की रिपोर्ट।